तो आज हम करने वाले अपना खा चैप्टर सिक्स, फूड वी ईट। हाँ, खाने को हम खाते हैं, ठीक है। तो हम आज ये वाला चैप्टर करेंगे, बट इस चैप्टर में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है और आप सभी के लिए नया है, तो चलो करना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये रीड करना है, तो ये अली अरिबा आप रीड करोगे। ओके मैम। लुक एट हु ओके, मैं आपसे पूछती हूँ ना। यस मैम। क्या लिखा है बताओ। ये मैंने क्या लिखा है अरिबा? आप ये मैम नजर नहीं आ रहा। मैम नजर नहीं आ रहा। मैम मैं कैसे बताऊं? नहीं? नहीं, ओके मैम। अरीबा ये देखो, मैं आपसे पूछती हूँ, ये ARE और U, तो मुझे बताओ ये क्या है? मैम आई एम चेक टू। ओके मैंने बोला ना कि 2 मिनट आप सब रुक जाओ। मैम। अरिबा मैंने बोला है हाउ आर यू, मैं आपसे पूछती हूँ ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो? यस मैम। तो यहाँ हाउ लिखा है, हाउ। आगे रीड करो। साइना साइना हैज हैज ग्रोन ग्रोन फ्रॉम फ्रॉम ए बॉडी, ए ए बेबी, बॉडी ए बेबी टू ए टू बिग टू ए बिग बिग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गर्ल। या ओके, तो आई होप कि सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे होंगे। तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो इन्होंने पूछा है, देखो साइना को, वो कैसे बड़ी होती है, बेबी से लेके बेबी से बड़ा कैसे होती है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है और ब्यूटीफुल कैसे बनती है। ठीक है, सबसे पहले ये बेबी है। ओके, यस मैम। साइना साइना लीज लव्स ड्रिंक टी लव ड्रिंक ड्रिंक साइना मिल्क, लव्स ड्रिंक मिल्क। या गुड। तो यहाँ है साइना लव ड्रिंक मिल्क, यानी साइना अभी पर बेबी है, तो इसको क्या पसंद है? इस दूध पीना पसंद है। ओके, जब ये 2 साल की होती है, फिर गुरुबा इसको रीड करो। साइना लव फ्रॉम मैम ये नहीं आ रहा। कोशिश करो, नहीं आएगा तो फिर मैं बता ही दूंगी। प्रोटीन पॉरेज, पॉरेज यानी खिचड़ी। क्या होता है खिचड़ी? खिचड़ी। जब जब साइना 2 साल की हुई, 2 ईयर ओल्ड, तो साइना को किससे प्यार हो गया? पहले उसको दूध से प्यार था, उसके बाद उसको खिचड़ी से प्यार हो गया, है ना? यस मैम। मैम यस जो ये प्रोटीन से जो लिखा है ना मैम वो खिचड़ी नहीं है, वो दलिया है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि खिचड़ी है। ठीक है, ओके मैम। ओके, अब हम जानेंगे 2 ईयर ओल्ड साइना को। ओके, अब ये रीड करेंगी अरिबा, और मुझे अरिबा उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह रीड करोगी। चलो रीड करो। साइना वॉज मी इंजॉय
इंजॉय इंजॉयज, इंजॉय इंजॉय यानी मस्ती करना, इंजॉय ईटिंग ईटिंग फूड फ्रूट 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 मैंने फ्रूट की स्पेलिंग भी आपको याद करवाई थी जैसे आपको याद नहीं है. एंड एंड एग्स, एग्स एग्स यानी अंडा. गुड ओके. अब यहाँ साइना एंजॉय कर रही है खाने को, फ्रूट और अंडे को. ये देखो फ्रूट इसके हाथ में सेब है, यहाँ पे ऑमलेट है, यहाँ पे ऑमलेट है, यहाँ पे फ्रूट्स है. तो उसको वो एंजॉय कर रही है खाने को, किस चीज में, फ्रूट खाने में और अंडे खाने में, जब वो 3 साल की थी. ओके अब आगे हमारा 4 साल. ओके क्या नाम है, किस किस की हो चुकी है, किस किस की, एक तो अरीबा की हो गई, एक रक्षी की हुई, रक्षी की यस मैम, रक्षी. ओके रक्षी ये आपका है, रीड करो. ओके मैम. साइना 8 से ए हेल्दी मील. वेरी गुड. जो साइना है ना वो हेल्दी मील खाती, मील यानी खाना खाती है वो हेल्दी. जैसे हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट का हम उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं या खाना बोलते हैं, लेकिन वो एक तरह से मील होता है, हेल्दी मील. तो चलो हम इसके बारे में जानने वाले हैं. तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्रुप आप रीड करो, जहां आप भूलोगी वहां पे मैं आपको बता दूं. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक बेसिक नीड्स. वी एट ईट फूड फूड क्या व्हेन ये व्हेन वी आर हंग्री, हंग्री यानी भूख लगना, हंग्री वी हंग्री 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 वी नीड फूड टू, वी नीड फूड टू. ओके अब यहाँ पर है फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड, जो खाना है वो हमारी एक बेसिक नीड है. बेसिक का मतलब आपको पता है, जैसे बोलते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, वैसी बेसिक थोड़ी बहुत, ठीक है, नीड है हमारी वो. वी ईट फूड, हमें खाना, हम खाना खाते हैं. व्हेन वी आर हंग्री, जब हमें भूख लगती है. ओके वी नीड फूड टू, हमें जरूरत है खाने की हमारे ग्रो होने के लिए, हेल्दी के लिए, गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, खेलने के लिए, ठीक है. पत्ते खोले तो इसमें बता रखा है कि जरूरत है खाने की बढ़ने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, और एनर्जेटिक यानी हमारे में पावर के लिए, और खेलने के लिए. क्योंकि जब आप हो गए, आप डाइट ही हो गए, तो फिर आप बढ़ोगे कैसे, है ना. यस मैम. ओके गुड. अब यहाँ से यहाँ तक रक्षी आप रीड करो. ओके मैम. वी हैव देयर डील. We have three main meals. Okay, ma'am. We have three, but three meals in a day. We eat breakfast in the morning. Okay, अभी मैंने बता रखा है we have three मेन मील्स, हमारे लिए 3 चीज खाने वाली बहुत जरूरी है, 3 इन द डे, डे में खाने के लिए. ओके वी ईट ब्रेकफास्ट, हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं यानी सुबह का मील, सुबह का खाना, इन द मॉर्निंग में, जब हम मॉर्निंग में उसे खाते हैं, सबसे पहला ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो अब ये देखो ये जो बच्चा है ना, हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, जब ये बच्चा खाना खा रहा था तो इसका देखो टाइमिंग है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट ये 9 बजे करता है, डायरेक्टली 9 बजे, पूरे 9 बजे ये ब्रेकफास्ट करता है. ब्रेकफास्ट में क्या है, इसका एग है, मिल्क है, और जो चोको चिप्स वगैरह होता है वो है, बटर है, और टोस्ट है, टोस्ट को इन्होंने मतलब गर्म कर रखा है, ठीक है. यस मैम. यस मैम. ओके अब हम जानेंगे
साइना वेंट टू नो, ओके साइना के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बता रखा है, नेम टू थिंग यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ओके दो चीजों के नाम बताने जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले गुरुबा बताएगी दो चीज जो वो हर रोज ब्रेकफास्ट में खाती है, फिर मुझे अरीबा बताएगी, फिर मुझे रक्षी बताएगी, दो दो चीजें, तो गुरुबा बताओ जो दो चीज आप हर रोज खाती हो ब्रेकफास्ट में। नेम एक अंडा और एक ब्रेड, ये एवरीडे खाती हो आप? यस मैम। ओके गुड, ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पर आगे एग एंड पराठा, ओके आपका दोनों सही है, दोनों ठीक है। अब अरिबा आप बताओ जो दो चीज आप हर रोज ब्रेकफास्ट में खाती हो। मैम स्नैक्स एंड टी। ये वैसे हमारा टी है बट दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट, ये हमारा ब्रेकफास्ट नहीं है। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, बताओ सुबह का, देखो ब्रेकफास्ट का मतलब होता है खाना खाना कोई भी। यस मैम। बताओ अरिबा जल्दी बताओ। मैम हाफ ब्रेड एंड ओके हाँ गुड, ये ठीक है। चलो रक्षी आप बताओ दो चीज जो आप हर रोज ब्रेकफास्ट में खाती हो। ब्रेकफास्ट में कभी कभी करती हूँ बट अगर आलू के पराठे बने तो बस आलू के पराठे और मिर्ची का अचार। रक्षी मैंने आपसे ना सिर्फ ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा, मैंने ये नहीं पूछा कि आप कभी करती हो कभी नहीं करती हो, और पर्सनल चीजें आप बताना बंद करो ग्रुप में, ठीक है? सॉरी मैम। मैम आप इस बात में तो मैं बस चाय पीती हूँ बस और कुछ नहीं करती। ठीक है ओके, अच्छा है। अब आप सब अपना टाइमिंग बताओ, टाइमिंग तो रहने दो, आप सब सबके अलग अलग टाइम होंगे, कोई बात नहीं। ओके इन द मॉर्निंग इन द प्लेस ऑफ द ब्रेकफास्ट एंड लंच, ओके अब हम जानेंगे अपने सेकंड मील के बारे में। तो हमारा टाइम है 2 बजे, इस लड़की का जो टाइम है साइना का वो है 2 बजे। वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, हमें खाना खाना चाहिए आफ्टरनून में, दोपहर में यानी आफ्टरनून में, ओके। नेम टू थिंक यू ईट फॉर लंच, जो आप दो चीज लंच में खाते हो। मुझे अब ये नहीं पूछने की जरूरत है, सब बच्चे अपना अलग अलग खाते हैं, या फिर रक्षी खाती ही नहीं होगी तो बात अलग है, तो ये नहीं पूछना। लेकिन हमारे तो फर्स्ट मील हमारा ब्रेकफास्ट है, दूसरा मील हमारा ये लंच है, और हम जानते हैं अपने थर्ड मील के बारे में, यानी वी हैव डिनर एट नाइट, हम जब खाना खाते हैं रात में, ठीक है। ये तीन हमारा इम्पोर्टेंट है, आप सभी को समझ में आया, फर्स्ट है मॉर्निंग, दूसरा है आफ्टरनून, और लास्ट है हमारा डिनर, ठीक है? यस गुड ओके। अब हम जानेंगे यहां से यहां तक, ओके। वी ईट एंड ड्रिंक मेनी थिंग्स लाइक वेजिटेबल फ्रूट, दाल चावल और चपातीज, ईट फिश मीट, मिल्क कर्ड, टी कॉफी एंड जूस, ए मील विद ऑल काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट, अमाउंट इज ए हेल्दी मील, ओके। अब इन्होंने इसमें बता रखा है हम खाते, हम खा पीते हैं और पीते हैं बहुत तरह की चीजें, और खाते भी हैं हम वेजिटेबल फ्रूट, दाल चावल, चपाती यानी रोटी, एग फिश मीट, मिल्क कर्ट यानी दही, टी यानी चाय, कॉफी और जूस, ये हम खाते हैं और पीते हैं। ए मील विद ऑल ऑल काइंड ऑफ फूड, ये बहुत सारी तरह के फूड्स होते हैं, ठीक है, इन द राइट अमाउंट इज ए हेल्दी, ये हमारे हेल्दी रहने के लिए ये सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं, चाहे आप दोपहर में खाओ, सुबह खाओ, रात में खाओ, लेकिन एक दिन में आपको ये सारी चीजें चाहिए होती, जैसे कि आपने दूध पिया और आपने फ्रूट खाया, सब्जी में आपने वेजिटेबल्स खाए, और सब्जी के साथ आपने दाल लिया, चावल खाया, रोटी खाया, आपने एग खा लिया, मतलब एग फिश मीट, ये तीन चीज नॉन वेज है,
बट क्या है, आपको वेज अगर आपको नॉन वेज खाना होता, अगर आप लोग खाते हो तो आपको क्या करना है, आप या तो एग खाओगे किसी दिन या फिर फिश खाओगे, लेकिन एक चीज खाओगे। और हम मिल्क पीते हैं, जो कर्ट है यानी जो दही है वो भी मिल्क से ही बनता है, और फिर हम चाय भी पीते हैं, कोई कोई कॉफी पीता है, कोई जूस पीता है, तो ये हमारे हेल्दी मील है। ठीक है, यस मैम, ओके गुड। मैम, देखो सब्जी में ना दाल या वेजिटेबल जरूर होने चाहिए, और इन्हीं से तो बनता है सब्जी। और यहाँ पर देखो हम लोगों को यस मैम, सब्जी, यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स बता रखा है, यहाँ पर हमें फ्रूट्स बता रखा है, यहाँ पे हमें एग बता रखा है, मिल्क बता रखा है, और यहाँ पे हमें नॉन वेज बता रखा है। ठीक है, यस मैम, गुड। वेजिटेबल ज्यादा अच्छी होती है मैम सेहत के लिए, हेल्दी के लिए। ओके अब इन्होंने इसमें बता रखा है, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए। इट हेल्प अस टू, मतलब ये हमारी मदद करता है खाने को पचाने में, फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी फूड को बॉडी में सही से मिलाने के लिए। वी मस्ट ड्रिंक, हमें पानी पीना चाहिए 6 से 8 गिलास, ओके, ऑफ द वाटर यस एवरी मैम, डे। देखो मैम 6 से 8 ग्लास। रक्षी, जब मैं क्वेश्चन करूँ ना, आप जब जवाब देना। देखो हमारी बॉडी जितनी भी बड़ी है ना, हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, उस बॉडी में ना मतलब उसमें ना 100% वाटर भी होता है। 100% तो नहीं, यस लेकिन 80% वाटर होता है और 20% ब्लड होता है, ब्लड यानी खून होता है। ठीक है, तो जो मैम, 80%, जो आपका 80% पानी है, जब आप लोग हर रोज एवरी डे, जब आप लोग एवरी डे क्या करोगे, 6 और 8, मतलब कि जो भी बच्चा हो बड़ा हो, जो भी 1.5 लीटर से, यानी मैं बच्चों की भी बात बता रही हूँ, आप लोगों की, जो भी 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीता है वो जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हो सकता, कभी नहीं बीमार हो सकता। उसको सुबह टाइम पर वॉशरूम आएगा, उसको टाइम पर नींद आएगी, उसकी नींद अच्छी होगी। ओके, ये तो चलो मैंने एज बताई है, मतलब कि 4, मतलब ये 5 6 साल से लेके आप 13 14 साल तक ये कर सकते हो, लेकिन 14 साल के बाद, 14 से लेके पूरा टाइम, जो भी 2 लीटर से ज्यादा पानी पीता है, 2 लीटर, मैंने 2 लीटर बोला है, जो भी यहाँ पर 14 साल से बड़े का है, उसको, उसके लिए उसको हर रोज 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अरीबा, जैसे आपको थोड़ी, आपने मुझे बताया था आपको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, तो उसकी एक्सरसाइज तो हम करेंगे, लेकिन आपको, आप पानी कितना पीती हो अरीबा? मैम कम पीती हूँ कम मैम, से कम वेरी कितने कम ग्लास पीती हूँ। पीते हो? जब खाना खाती हूँ बस तब पीती हूँ, और कभी कभी रात को सोने से पहले। ओके, चाहे तो गर्म पानी पियो या आपको पसंद हो तो ठंडा पानी पियो, बट आप लोग ध्यान रखो, जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको 6 से 8 गिलास पानी एवरी डे पीना है, तभी उनकी बॉडी जो है ना, वो खाना, जो उनके पेट का खाना है ना, वो ठीक से पचा पाएगी, यानी उसको, जो उसमें से हमारा विटामिन है, जो हमारा ब्लड में जाना है वो ब्लड में जाएगा, जो हमारा वेस्ट निकलना है वो वेस्ट निकलेगा, जो हमारा फैट बनना है वो फैट बनेगा। ठीक है, मैम मुझे मैम कितना पीना चाहिए? हाँ आपको कम से मैम, कम हर रोज जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना, हर रोज उनको 1 लीटर से ज्यादा, यानी कम से कम 1.5 लीटर की बोतल आप लोग जानते हो ना मैम यस मैम, मैं पानी कम पीती हूँ वैसे। आप, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आपके पास अगर 1.5 लीटर की बोतल है, अब तो कोल्ड ड्रिंक भी आती है, आप लोगों ने देखा है, या तो आप कभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो 1.5 लीटर की। ठीक है, उस 1.5 लीटर में आप बॉटल में पानी भर के रख दो। अब बस आपको ये टारगेट रखना है कि ये मुझे एक दिन में खत्म करना है। ओके मैम, तो आप यस लोग देखो, जो इंसान पानी ज्यादा पीता है ना, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। मतलब क्या होता है कि उसके हाथ काले पीले नहीं होते हैं, उसके दांत पीले नहीं होते, मतलब बहुत सारी फर्क ना, आपका बहुत ज्यादा फर्क आपका सिर्फ पानी पीने से बदलेगा। अगर जो बंदा पानी पीता है ना, मैं मान नहीं सकती कि वो बंदा बीमार हो जाए, जो पानी पीता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी, सारी बीमारियां पेट से होती है, जब हमारा पेट ही स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी, यानी जब आपका पेट हेल्दी रहेगा तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ही है, जब आप पानी पियोगे, आपका जब पेट हेल्दी रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, नाक में दर्द, सर में दर्द, नींद नहीं आना, नींद आना, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग हर रोज अब 1.5 लीटर पानी पियोगे। ठीक है,
यस मैम, मैं जरूर पीऊंगी। हाँ मैम, मैं भी करूंगी, पर मैं गर्मियों में करूंगी, अभी तो सर्दी है। जिस बच्चे को चेंज होना होता है ना, वो बच्चा उसी टाइम बोलता है कि मैं ये चीज करूंगी, वो बच्चा बहाने नहीं बनाता। क्योंकि आपको जो बीमारियां आनी है ना, वो आपको ठंडी या गर्मी बता के नहीं आनी, वो बीमारियां आ ही जानी। और बॉडी हमारी देखो ठंड में भी उतना ही काम करती है और हमारी गर्मी में भी उतनी ही काम करती है, बस फर्क ये होता है कि हम उसको कितना ध्यान देते हैं। तो मिल्क की बात आती है अब, तो आज ओके आप मैम, में से जिस बच्चे ने डिसाइड किया है कि 1.5 लीटर पानी पीना है, वो बच्चा यस जरूर मैम, से जरूर 1.5 लीटर पानी पिए। यस अगर डेढ़ मैम, लीटर अगर उसके पास 1.5 लीटर की ओके बॉटल नहीं है ना, तो वो ध्यान रखे कि उसको 8 गिलास पानी जरूर पीना है। यस आप लोग मैम, ना यस चाय वाला मैम, कपड़े ले लेना, छोटे वाला, बड़ी गिलास। यस मैम, यस मैम, गुड, ओके। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। इट मेक आवर टीथ, ये हमारे जो दांत है इसको बनाती है और हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है। और वी मस्ट ड्रिंक, हमें दूध पीना चाहिए कम से कम 2-3 गिलास ऑफ मिल्क डेली। हमें हर रोज 2-3 गिलास मिल्क पीने चाहिए। अब मैं बताती हूँ, जो दूध होता है, आप सभी को मेरी बात अच्छी तरह समझ में और सुनाई यस दे रही है? मैम, यस यस आई मैम, मैम, आई कैन लिसन। गुड गुड गुड। देखो पढ़ाई का ना सबसे ज्यादा तो फायदा ये होता है कि हम ना बहुत सारी चीजें ना नहीं जानते हैं। अब देखो जो दूध है ना, इससे क्या होता है, हमारे जो दांत है ना, जो दांत है वो कभी पीले नहीं होते, वो आपके हमेशा व्हाइट होंगे और हीरे जैसे चमकेंगे। दूसरा आपकी मैम, हड्डियां, अभी जो जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, जैसे कि आप सारे ही हो यहाँ पर, तो जो स्पेशल चिल्ड्रंस है, क्या होता है जब वो कुछ उठाते हैं विचित, तो उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है ना, यस मैम, फ्रैक्चर हो जाती हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, होता है ना ऐसा। यस मैम, यस मैम, जो बच्चा सुबह ब्रेकफास्ट में दूध पिएगा और रात में सोने से पहले दूध पिएगा ना, उस बच्चे की हड्डियां बहुत ही मजबूत रहेंगी, मतलब इतनी मजबूत हो जाएंगी उस बच्चे की हड्डियां। अच्छा, जो बच्चा ना मेरा कहना मानेगा, मैं इस क्लास के ही बीच में बता रही हूँ, जो बच्चा मेरा कहना मानेगा, जैसे एवरीडे वो 1.5 लीटर पानी पिएगा और सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध, जो भी बच्चा पिएगा ना, मैं उसको 3-4 चीजें बहुत अच्छी अच्छी सिखाने वाली हूँ। जैसे कंप्यूटर कोर्स हमारा शुरू हो चुका है और कंप्यूटर कोर्स उस बच्चे को मिलेगा फ्री में, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री में मिलेगा। वो बच्चा चाहे किसी भी कंट्री का हो, और उस बच्चे को एक तो वो कंप्यूटर कोर्स मिलेगा, और जो बच्चा बहुत ही अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लेगा उसके घर कंप्यूटर जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में रहे या इंडिया में रहे, ठीक है? क्योंकि डिलीवरी ऑल वो पूरे वर्ल्ड में होती है, ठीक है? ओके मैम, तो ओके मैम, पानी 8 गिलास, मतलब 1.5 लीटर, और गिलास भी बड़ा, ऐसा ना हो कि पुद्दी पुद्दी सा आप लोग गिलास ले लो और उसमें पानी पी लो। और मिल्क देखो, जिसके घर में प्रॉब्लम है, मुझे पता है बहुत लोग के घर में प्रॉब्लम है, जो हर रोज 2 गिलास दूध नहीं पी सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग रात में सोने से पहले, तो चलो अगर आप लोगों के घर में थोड़ी बहुत पैसों की प्रॉब्लम होती है, वैसे सबके ही है ऑलमोस्ट, तो सुबह ब्रेकफास्ट में जरूर आप 1 गिलास दूध पिया करो। अच्छा, ब्रेकफास्ट में आपके क्या क्या होना चाहिए, कम से कम आप सभी का 1 गिलास दूध होना चाहिए, ठीक है? और अगर आप लोग रोटी नहीं खाते हो, ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड पर या तो घी लगाओ, या फिर घी नहीं तो बटर लगाओ, या फिर जैम लगाओ, जैम्स पता है ना, जैम, यस यस मैम, मैम, पता या फिर है, यस चॉकलेट का जो आता है, ठीक है, वो लगाओ। मैम, चॉकलेट का भी आता है, लेकिन हमारा जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है ना, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को जाता है। कहाँ जाता है? डायरेक्टली ब्रेन को जाता है, ब्रेन को, दिमाग को जाता है। सुबह का यस खाना, मैम, सुबह चाहे आप सिर्फ चाय पी लो और अपने दिमाग को खोखला रख लो, खोखला यानी आपके दिमाग को जो सुबह वाली एनर्जी चाहिए थी, यानी जो भी हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारी ब्रेन को मिलता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? डायरेक्टली यस मैम, हमारे ब्रेन को मिलता है। अगर मान लो मैं सुबह जूस पीती हूँ, जूस, अगर आप जूस पीते तो आप दूध मत पीना, दूध सुबह के टाइम मत पीना, तो आप रात को दूध पी लेना अगर आप सुबह जूस पीती हो तो। अच्छा मान लो मैं हूँ, मैं सुबह ना सिर्फ चाय पीती हूँ और जो मेरा दिमाग है वो सिर्फ सुबह का ही खाना लेगा, तो मेरा जो मैंने जो चाय पिया ना, उस दिमाग ने सिर्फ चाय लिया, और चाय से क्या होगा, मेरे सर में दर्द, हाथ में दर्द, मेरे को पूरे दिन आलस आएगी, टेंशन होगा, बीमारियां होंगी। क्यों? क्योंकि चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, कभी भी। बहुत सारे लोग ये
पागलपंती करते हैं कि सुबह वो उठे उनको चाय दे दो गर्मा गर्म, ये बहुत गलत चीज है। चाय कुछ खाने के बाद आप चाय पियो तो चाय आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो खाली पेट चाय पीता है ना उसको बहुत बीमारियां होती हैं। मैंने जहां तक साइंस पढ़ा है मैं तो नहीं बता सकती, बहुत बीमारियां होती है खाली पेट चाय पीने का। और सुबह का जो खाना होता है वो आपको डायरेक्टली ब्रेन में जाता है, इसलिए सुबह का आपका जो मील होता है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। ठीक है? यस मैम। तो उम्मीद है जिन बच्चों ने गलत आदतें एक्सेप्ट कर रखी हैं वो छोड़ देंगे, उम्मीद है। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। देखो चाय हमारे लिए अच्छा है लेकिन चाय हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है, बहुत काला रंग पड़ जाता है, खाली पेट पीने से तो इतनी बीमारियां हैं। मैं सही बताऊं तो मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ और मैं बहुत हेल्दी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपना खाती पीती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। और इसीलिए आप सभी को भी खाना पीना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और आप सभी को अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखो आपका ध्यान ना माता पिता आपके हमेशा नहीं रख पाएंगे, सबसे ज्यादा ध्यान ना आपको अपना खुद ही रखना है, समझ आया? यस मैम। और अगर आप लोग हेल्दी रहोगे तो आपके माता पिता को कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो यस मैम। चैप्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर पढ़ा है तो अब उसे हम कल कवर करेंगे। हमारा यहाँ तक कल हम यहाँ से शुरू करेंगे, ग्रैंडमा आस्क, ग्रैंडमा ने हमें बोला। ठीक, उम्मीद है कि आप सारे कल रेडी रहोगे। ठीक है? और आज मुझे बच्चे मैसेज करेंगे कि मैम मैंने 1.5 लीटर पानी पिया, मैम मैंने अपना खाना टाइम पे खाया। अच्छा, मैं क्लास एंड करने से पहले दो चीजें बता दूं, आप लोगों का खाना खाने का ना टाइमिंग होना चाहिए। देखो जिनकी मम्मा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो 9 बजे बोलेंगे तो उनकी मम्मा उन्हें 9 बजे खाना दे देंगे, 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे खाना दे देंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। मैम आप लोग कोशिश क्या करो कि आप देखो आप लोग तो आपकी 10 बजे एक्सरसाइज होती है तो अब तो आपका ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट ना 9 बजे कर लिया करो। ठीक है? पर एक्सरसाइज से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मैम। अगर आप 1 घंटे का गैप लगाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। या फिर आप 8 बजे कर लो, लेकिन अगर आप अपना हेल्दी अगर आप 11 बजे करोगे ना तो वो ब्रेकफास्ट नहीं, वो एक तरह से लंच ही है, तो वो बेकार है। ठीक है? अगर आप लेट, अगर आप लोग अधिक, आप कितने बजे सो के उठती हो मैम? 9 o'clock। ओके, गुरुबा आप कितने बजे सो के उठती हो? मैं भी 9 बजे। और रक्षी आप? मैं भी 9 बजे उठती हूँ। 9 बजे तो तुम कभी नहीं उठती हो, मुझे पता है 10 बजे उठती हो। तो यहाँ पर जो आप सभी की आदत है ना वो बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। देखो मैं यहाँ पर आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे को पता है हम लोग कभी मिले नहीं है, हम लोग फोन पे क्लास ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो आपकी जिंदगी है ना ये आपको कभी कोई नहीं पढ़ाएगा कि आपको सुधारना है, लेकिन मैं चाहती हूँ पढ़ने पढ़ने के साथ आप सुधरो भी। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा अपना उठना जल्दी करो, यानी 9 बजे की जगह आप सब 8 बजे उठो। मुझे इसमें से पता है कि इसमें से अरीबा कर लेगी क्योंकि अरीबा में बहुत कॉन्फिडेंस है और मुझे 100% भरोसा है, और गुरुबा भी मुझे भरोसा है कि गुरुबा कोशिश करेगी। रक्षी तुम पर मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है कि तुम करोगी क्योंकि बहुत बार मौका दे चुकी हूँ मैं। तो आप सभी कोशिश करो कि आप लोग थोड़ा जल्दी उठो। ठीक है? यस मैम। ओके। और 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट का टाइम रखो। ओके मैम। 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम रखो और 2 बजे आप लोगों की क्लास, वैसे 1:30 से 2 होती है ना, आज थोड़ी लेट हो गई आपकी लेकिन 1:30 से 2 ही होती है, तो yes, आप लोग अपना लंच का टाइम 2 बजे रखो। ठीक है? डिनर का टाइम 8 बजे रखो, 9 बजे तक सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठो 8 बजे। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। वेरी गुड। उम्मीद है इस लेसन से आप लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा ली होगी और आप लोग सुधारोगे भी। ठीक है? यस मैम। Yes, मैं फिर हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम कल। ठीक है? बाय बाय ऑल। ओके मैम। बाय मैम। बाय ऑल। बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय। यस मैम। आई कैन थिंक। गुड। ओके गुरुबा आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो, जहाँ आप रुकोगी ना वहां मैं आपको बता दूंगी। We like to have hot drinks like soup and parathas in winter
वेट डू वी लाइक टू हैव इन सेम समर समर ओके समर यानी विंटर विंटर क्या होता है विंटर क्या होता है विंटर सर्दी होता है और विंटर सर्दी होती है और समर गर्मी होती है ओके इन्होंने बोला है कि हमें ठंड में जैसे अभी जो ठंड चल रहा है ठंड में हमें गर्म चीज खाना पसंद होता है जैसे सूप जो सूप पीते हैं हम चाहे वो सब्जी की सूप हो या हम अलग से सूप बना के पिए और गरम गरम खाने का दिल करता है और गरम गरम पराठे और फिर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू लाइक टू द इन समर मतलब आपको गर्मी में क्या क्या खाना अच्छा लगता है yes, दो दो एक yes, चीज बताना गुरुबा पहले okay, आप man. बताओ गुरुबा पहले ये... बताओ क्या बताऊं मैं पहले तो किसी के बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा शोर हो रही है प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक मैंने पूछा है गर्मी में आपको खाना आपको खाने में क्या पसंद है कोई एक चीज बताओ गर्मी में हमें क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए अलीना अरीबा आप बताओ मैम फिश गर्मी में हमें क्या खाना चाहिए गर्मी में आइसक्रीम ओके रक्षिया आप बताओ अरे हाय चलो लग रहा है बच्चे ज्यादा ही बिजी हैं ठीक है हम अब आगे चलते हैं ओके वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल ठीक है तो यहाँ पर है वी गेट फूड हम फूड लेते हैं प्लांट और एनिमल से दो लोग दो चीजों से हम फ्रूट्स लेते हैं फर्स्ट है हम पहले प्लांट से लेते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स और ये क्या है हमारा क्रीम मतलब क्रीम दाल ये सब हम जो दाल वगैरह ये सारे हम वेजिटेबल्स से लेते हैं मतलब प्लांट से लेते हैं सॉरी फ्रूट वेजिटेबल दाल मटर ये सब हम प्लांट से लेते हैं ओके अब एनिमल्स प्रोडक्ट क्या है काउ गोट अब पहले गायों ने हमें क्या दिया गायें और बकरी हमें देते हैं मिल्क ओके गोट हैन फिश ये मीट होते हैं इनके मीट लोग खाते हैं ओके हैन हैन क्या देते हैं मुर्गी अंडे देती है यस मैम ठीक है ओके लीना ये अरीबा आप मुझे बताओ कि हमें एनिमल से दूध के सिवा और दो चीजें बताओ कि क्या मिलती है एनिमल से दूध के सिवा हाँ हैन से तो एग मिलते हैं और काउ और गोट से मिल्क मिल्क मिलता है और उस मिल्क से बटर बनती है क्रीम बनती है चीज बनता है कर्ड यानी दही बनता है ठीक है यस यस मैम गुड अब यहाँ पर हमारे आ गया गुड फूड हैबिट हेल्प अस टू बिकम हेल्दी हमें अपना गुड फूड यानी अच्छे खाने की हेल्प से हमें अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है तो अब यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है ईट मील एट द नाइट एट द राइट टाइम डू नॉट वेस्ट फूड इसमें पहले ईट मील एट द राइट टाइम हमें खाना खाना चाहिए सही टाइम पर डू नॉट वेस्ट फूड हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है ओके हमें हद से ज्यादा नहीं खाना चाहिए और हमें ओके जो फूड कवर नहीं होते हैं वो फूड हमें नहीं खाना चाहिए अनकवर्ड फूड ठीक है डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड ओके वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को धो बैठकर हमेशा डाइनिंग टेबल पर या फिर नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ और हमें खाना हेल्दी खाना चाहिए और डू नॉट मतलब हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए रोड साइड शॉप
डू नॉट ईट फ्रॉम रोड साइड शॉप, हमें जो रोड के साइड में जो फास्ट फूड के इस मतलब वो मतलब ठेलीज वगैरह होती हैं, हमें वहां से नहीं खाना चाहिए, और हमें पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए जिससे हम बीमार नहीं होंगे, आपको बीमार वाली फीलिंग नहीं होगी। तो इन्होंने हमें बताया हमारी गुड गुड फूड हेल्दी, ये गुड हैबिट के बारे में इन्होंने बताया है। हमारी एक्सरसाइज शुरू है, तो पहला मैं दूंगी गुरुबा को, फिर मैं दूंगी रक्षी को, फिर मैं दूंगी अरिबा आपको। तो मैं बार बार किसी को नहीं बोलूंगी कि मुझे इसका आंसर दो, क्योंकि मैंने सबका नाम लिख रखा है, मैं नाम के अकॉर्डिंग बस बोलूंगी कि इसका आंसर दो। अगर मुझे आंसर मिल गया तो ठीक है, मतलब उसको आता है, नहीं मिला तो उसका मतलब उसको नहीं आता है। ओके अरिबा फर्स्ट आंसर दो। फर्स्ट वाला मेरा, फर्स्ट वाला गुरुबा का है, जी लिखा है ना, सेकंड वाला रक्षी का है। इसका रक्षी यस मैम, आप ओके मैम, दो। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम यहाँ ओके है उसका, यहाँ मैम सॉरी, आंसर टू दी गेस्ट आवर फूड मैम, बस इसका मुझे मीनिंग मतलब बता दीजिए। सॉरी मैं मतलब नहीं बता सकती। अरिबा आपका। मतलब किसी को नहीं आता, वेरी गुड। किसी से मुझे नो ऐसे मैम, वैसे रीडिंग उम्मीद रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो रीडिंग करनी चाहिए ना आपको, आपको इंग्लिश की बुक्स अगर आपके पास हैं तो आपको रीडिंग करनी चाहिए, ऐसे तो आप लोगों को कोई भी आंसर नहीं आएगा, बहुत ही बुरी बात है। आप तीनों में से किसी को कुछ नहीं आया, इट्स वेरी बैड। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड गॉट, ए मील विद ऑल काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट इज ए, यहाँ पर क्या आएगा, फूड मील, और किसी को नहीं आया ये, वेरी गुड। और सो रक्षी आप तो काफी टाइम से पढ़ रही थी, आपको तो आना चाहिए था, लेकिन आपको भी नहीं आया, वेरी बैड। मेक फ्रॉम ए करेक्ट एस्टिमेट एंड इनकरेक्ट एस्टिमेट, तो हमें इसमें सही गलत बताना है। वी नीड फूड टू ग्रो एंड बी हेल्दी, यस राइट। ओके हैरू आप मुझे बताना, वी नीड फूड टू ग्रो एंड बी हेल्दी, यस और नो। यस ओके वी मस्ट ड्रिंक 6-8 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे, नहीं गुड। ओके वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, यस वी यस हैव डिनर इन द मॉर्निंग, नो यस नो वी ईट थ्री मेन मील इन द डे, यस यस गुड है। ओके हैरो यहाँ पे ओके फोकस करना, ठीक है, पुटे मतलब यहाँ पर हमें सही और गलत चीजों पे हैरो ऐसे हैरी ऐसे लगाना है जो गलत चीजें होंगी, और ऐसे लगाना है जो सही चीजें होंगी। वी शुड नॉट ईट, जो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है, उन पे हमें ये वाला टिक लगाना है क्रॉस। तो आप मुझे बताना, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो फूड रखा है, यहाँ जो मक्खियां हैं, क्या हमें ये खाना चाहिए, नो गुड। ओके जो ढक के खाना रखा है यहाँ पर, हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, यस ओके ये खाना हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, गुड। खाना चाहिए दोनों सही है, एक तीनों सही है आपके, ठीक है। ओके अब यहाँ पर रखे हुए हैं फास्ट फूड, हमें खाना चाहिए, नो स्ट्रीट फूड हमें खाना चाहिए, नो वेरी गुड, दोनों सही हैं।
ओके अब यहाँ पर जस्ट लिटिल एक्टिविटी टाइम है. आस्क योर मदर अबाउट द फूड स्टीम वी कुक बिफोर ईटिंग एंड द फूड स्टीम वी ईट रे विदाउट कुकिंग पास पेस्ट पिक्चर ऑफ टू फूड. अच्छा दो खाने की फोटो भेजनी है खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद, मतलब खाना बनने से पहले एक फोटो भेजनी है, खाना बनने के बाद एक फोटो भेजनी है. विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की हेल्प करनी चाहिए. लर्न टू मेक